बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। बातें तो बहुत थी करने वाली जो बच्चों के सिलसिले में वालदैन से, जो तरीकाकार है हमारे रावी के इलाके का उस लिहाज से बात करनी थी, और जो थोड़ा सा लास्ट हुआ बहार के डेट्स को उस सिलसिले में, तो रिक्वेस्ट सिर्फ ये थी बच्चों की डाइट के बारे में, खाने के बारे में, घर में स्टडी के बारे में। बराए मेहरबानी जो माएँ यहाँ मौजूद हैं, वालद साहबान, मेरी बेटियाँ बहनें, बच्चा बहुत ज़्यादा फीस वाले स्कूल में डालकर फिर उसको कोई चेक नहीं करना कि जी हम बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में डाल दिया बच्चे को, अभी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बात सुनिएगा, जो मैं वो बात कर रहा हूँ जो देखने में बहुत ज़्यादा हमारे लिए परेशानी का आलम बनी। अभी भी असातिज़ा किराम की, प्रिंसिपल की, सब लोगों की बहुत मेहनत, लेकिन जो चंद बच्चे हमारे मेडिकल अनफिट हुए उस सिलसिले में मैं चाहता हूं कि आने वाले 20-25 साल में शायद ये हमारे जर्नैल बने, कहीं कमांडे करें और मोटरवे फिर बारो बार उकाड़ा और साहिवाल से ना जाए, हमारा भी इक्तदार हो इन ज़िलों का। हम भी हूँ या ना हूँ ये तो खालिक की मर्ज़ी है, लेकिन हमें ठंडी हवाएं आएँ कि हमारा भी इलाका गिना जाए। जब मैं सिलेक्ट हुआ था तकरीबन 1980 में, तो बड़ा हकीर नज़रों से हमें देखा जाता था कि जी ये लोग साहिवाल वाले सर्विस नहीं करते। मैं तकरीबन 34 साल आर्मी में रहा, जिसमें मेरा शोबा मेडिकल कॉलेज इंस्ट्रक्टर, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और पीएमए काकूल इंस्ट्रक्टर, तो सब माओं से जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं कि इनकी गिजा पे तवज्जो दें, ज्यादा ना दें। पीएफ से हमारे 2-3 बच्चे मेडिकल अनफिट हुए ओवरवेट की वजह से, उतना दें जितना बच्चे की एज के मुताबिक उसकी डाइट बनती है। और दूसरा ओपन माइंड, बच्चे को किसी टाइम टीचर बातचीत करता है उस लिहाज से आप महसूस ना करें, आपकी इज्जत रिस्पेक्ट हमारे लिए, हम अपने आप से आपकी इज्जत को अफजल समझते हैं, लेकिन क्योंकि एक अफसर तैयार करना है, अफसर के लिए ओपन माइंड होना बहुत लाजमी है। ये नहीं कि कोई बात हो गई, कोई पनिश हो गई, उसमें कोई महसूस किया जाए, नहीं, वहाँ अपना जाती काम करना बहुत आसान है। आगे जाके 2-2 हज़ार की कमान करनी और चीज़ होती है। इनको अफसर बनाएं और माएँ स्पेशल, लास्ट बात और लास्ट रिक्वेस्ट कि रात को बच्चा जाके घर में स्टडी करे तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा आप पहले सो ले, बच्चे की स्टडी के टाइम आप ना सोए। वालद ने तो घर होना नहीं, किसी ना किसी काम के सिलसिले में बाकी सारा सिस्टम वालद ने संभालना है। जब आप जाग रहे होंगे, बच्चे ने 3 घंटे स्टडी करनी है, आप उसको 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद कह दे कप चाय का,
जो बच्चा शौक से खाता है थोड़ा सा वो दे दे, तो वो ही बच्चे की हौसला अफजाई होगी और हमारे लिए वो बच्चा बहुत आगे निकल आएगा स्कूल में भी। तो इन्हीं बातों पे, क्योंकि टाइम काफी हुआ है, बातें तो खत्म नहीं होती, आप तमाम बेटियों बहनों माओ का और बच्चों के वालदैन का, आपके जो बच्चों के टीचर हैं उनका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत ज़्यादा टाइम हमने लिया और आपने टाइम हमें दिया। कोई अगर मसला नॉर्मल भी पेश आया हो तो उसमें हम आते हुए सफ़र में यहाँ ज़्यादा देर बैठना, छोटी मोटी खुशी छोड़कर, घर के काम छोड़कर, तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।